शेर और भैंसे। एक वक्त की बात है कि एक घने जंगल में चार भैंसे रहते थे। वो हमेशा इकट्ठे रहते थे। उनका ये एका ऐसा था कि बाकी जानवर उनसे खौफ खाते थे, और उन सब जानवरों में से एक था शेर। हर बार जब वो उन पर हमला करने की तजबीज बनाता, वो उन्हें एक साथ देखता और मायूस होकर चला जाता। ओहो, मैं उन पर कैसे हमला करूं अगर वो हमेशा एक ही साथ रहें तो? कोई बात नहीं, कल फिर कोशिश करूंगा। एक दिन इन चारों दोस्तों ने एक मंसूबा बनाया। देखो, मैंने सुना है कि वहाँ दूसरे मैदान की घास बहुत ही ज्यादा मजेदार है, क्यों ना आज हम वहाँ दोपहर चलने जाएं? ओह हाँ, हमें ये करना चाहिए। तो हम गपशप में क्यों लगे हैं? चलो चलें। ओ, हरी हरी घास के बारे में सुनकर मेरे मुंह में पानी आने लगा है। इसका पेट कभी नहीं भर सकता। हाँ, सही कहा। तो वो इकट्ठे वहाँ से रुखसत हुए उस घास के मैदान की तरफ। जब वो जा रहे थे, एक लोमड़ी ने उन्हें आते हुए देखा। वो इतनी खौफजदा हो गई कि फौरन वहाँ से भाग गई। पर उन दोस्तों ने इस पर गौर नहीं किया। वो खुशी खुशी जा रहे थे। कुछ देर के बाद वो उस घास के मैदान पर पहुँचे। इतना चलने के बाद वो भूखे थे। जैसे ही वो चरना शुरू करने वाले थे, उनमें से एक ने कहा, चलो एक काम करते हैं पेटू, हम घास खा लेते हैं, तुम यहाँ खड़े रहकर पहरा दो। क्यों, मैं क्यों इंतजार करूं, मुझे भी तो भूख लगी है। तुम चरने में बहुत वक्त लगाते हो, तुम हमारे बाद चर सकते हो जब हम तुम्हारा पहरा देंगे। मैं तुम्हारा नौकर थोड़े ही ना हूँ, मैं इंतजार नहीं करूँगा, मैं भी तुम्हारे साथ ही चरूंगा। वो सही है, उसे यहाँ अकेले इंतजार करने देना इंसाफ नहीं है। पहले तुम इंतजार करो। तुम्हारे ख्याल से तुम कौन होते हो हम पर इस तरह हुक्म चलाने वाले? अगर मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ तो मैं इसी वक्त यहाँ से चला जाऊँगा। तुम हमेशा हुक्म चलाते हो। तुम हमेशा हम पर हुक्म चलाते रहते हो। तुम सोचते हो कि मुझे तुम सबकी जरूरत थी? मैं जा रहा हूँ, चलो चलें। हाँ जाओ जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं अपने खुद के बल पर रह सकता हूँ, दफा हो जाओ। वो चारों एक दूसरे पर बहुत नाराज थे, पर उन्हें ये पता नहीं था कि उनके पीछे पीछे शेर आया था इस फिराक में, कि कब वो तन्हा हो और कब वो उन पर हमला कर सके। वो घास के पीछे छुपकर उन्हें देख रहा था, और यही हुआ उस दिन। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा, अब मैं उन पर हमला कर सकता हूँ और एक एक करके उन्हें खा सकता हूँ। चारों दोस्त अलग अलग चल दिए, और शेर भी उनके पीछे गया। मौका पाते ही वो ऊपर झपटा, और एक के बाद एक करके उसने उन्हें मार गिराया। जब तक वो चारों साथ थे, किसी में उनके करीब आने की जुर्रत नहीं थी। पर जैसे ही उनमें लड़ाई हुई, उन्होंने एक दूसरे को तन्हा छोड़ा, जिसका हर जाना उन्हें भरना पड़ा। इसीलिए कहते हैं कि एका सबसे बड़ी ताकत है। तो बच्चों, इसलिए तुम सबको हमेशा मिलकर रहना चाहिए। तुम कभी नहीं जानते कि क्या होगा। जब तक तुम एक साथ हो, तो तुम्हारे साथ कभी कुछ नहीं हो सकता। हमेशा पते तुम्हारी ही होगी। परी, तुमने बिल्कुल सही कहा। क्या तुम कल सोनू से लड़े नहीं थे, जब उसे फुटबॉल टीम का कैप्टन बनाया गया था? हाँ, पर मैं जाऊंगा और उससे माफ़ी मांगूंगा, और फिर मिलकर मैच जीतेंगे और दूसरी टीम को हरा देंगे। हाँ, बिल्कुल सही।